कृष्णा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर राधे राधे कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताऊंगी। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपारा एकादशी कहा जाता है। अपारा एकादशी को अचला एकादशी भी माना जाता है। इस बार एकादशी 18 मई सोमवार के दिन पड़ रही है। इसका महत्व और पूजा विधि मैं आपसे कहूंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी से सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्रत करने वाले का साधक पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। इस एकादशी को करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधक की अपार धन की प्राप्ति होती है। साधक की चल रही परेशानियां दूर हो जाती है। इसे इसलिए अपारा एकादशी कहा जाता है। जो विधि विधान से साधक इस एकादशी का व्रत करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए आइए अब आगे देखते हैं पूजा विधि। एकादशी के एक दिन पहले से ही दशमी तिथि के रात से ही शुरू हो जाती है। दशमी तिथि पर सूर्यास्त होने के बाद हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। कई लोग तो दशमी तिथि के दिन ही मतलब शाम के सूर्यास्त के समय भोजन नहीं ग्रहण करते, तो कई लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर अगले दिन एकादशी वाले दिन सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर में पीला आसन बिछाना चाहिए। अगर आपके मंदिर में जगह नहीं हो तो आप एक पाटा ले सकते हो, उस पे पीला आसन बिछा के विग्रह विष्णु विग्रह लक्ष्मी जी की विग्रह को स्थापित कीजिए। अगर आपके पास विष्णु विग्रह या लक्ष्मी जी की विग्रह नहीं हो तो आप लड्डू गोपाल का भी स्थापित लड्डू गोपाल को भी बिठा सकते हो आप। फिर लड्डू गोपाल जी को या विष्णु लक्ष्मी जी को पंचामृत से स्नान करवाइए, स्वच्छ वस्त्र पहनाइए, नए वस्त्र पहनाइए, हो सके तो पीले वस्त्र पहनाइए, काले नीले का प्रयोग ना करें। स्वस्थ वस्त्र पहनाने के बाद उन्हें सुंदर सा श्रृंगार करिए, एकदम बढ़िया सा श्रृंगार करिए उनका। फिर उन्हें फूल फूल अर्पित करिए, फूल और मौसम्बी फल अर्पित करिए, जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, आम है, जो अभी मौसम चल रहे उस हिसाब से फल अर्पित करें। और अपने दाएं हाथ में जल ले और एकादशी करने का संकल्प कीजिए और वो जल आप लड्डू गोपाल के चरण में मतलब छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कथा पढ़े और सुनावे, जिसका बहुत लाभ होता है। पूरा दिन उपवास रखें, फल ले सकते हो आप, दूध ले सकते हो। जो पूरा दिन उपवास नहीं कर सकते हैं वो एक टाइम भोजन ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो पूरा दिन दोनों समय नहीं कर पाते वो दो समय भी फलाहार कर सकते हैं। और जो साधक व्रत कर ही नहीं पाते हैं वो उस दिन सिर्फ इतना पालन कीजिए कि वह चावल नहीं खाइए एकादशी वाले दिन। फिर एकादशी वाले दिन हमें देर तक नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। घर में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, शांति का माहौल बनाए ही रखना चाहिए। किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। रात्रि में जागरण कीर्तन करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन यथाशक्ति अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराए और दान दक्षिणा करके फिर खुद स्वयं भोजन करे। सारा मैंने आपको एकादशी की महत्व और पूजा विधि आपसे शेयर की है। आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर से कमेंट में मुझे बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।